सो अब आ गए हमारे यहाँ पर शमी भाई, जो काफ़ी छठे ओवर लेकर आए न्यूजीलैंड के लिए। जब तक अब तक की पारी फिन एलन की 8 बॉल पे 11 रन है। तो यहाँ पर बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अपने दाएं तरफ डाइव लगाकर रोका ओवर में। यहाँ पर तो दूसरी गेंद बॉल करने के लिए आए हैं शमी। अब तक का चौथा ओवर और कट कर दिया, यहाँ पर भी कोई रन नहीं, सीधा फील्डर के हाथों पर। काफ़ी बढ़िया ट्राई कर रहे फिन एलन, यहाँ पर अभी तक कोई रन नहीं रोक पाए 10 बॉल पे 11 रन। और न्यूजीलैंड की 5 ओवर के बॉल पर 50 व्हाट आई यॉर्कर, यहीं पे एक और सफलता मिली भारत को। पूरी तरीके से क्लीन बोल्ड कर दिया शमी ने, ये शमी का शायद दूसरा विकेट है। अब आए टॉम लेटन जो न्यूजीलैंड के अब के करेंट कप्तान हैं, तो अभी अब की आउटसिंग करते हुए बॉलिंग करने आए हैं शमी। ओहो चुप कर जाए, बट यहाँ पर समझ नहीं पाए कौन सी गेम खेल रही है। बढ़िया बैटिंग और बॉलिंग तरफ दिखा रहे हैं शमी ऊपर से। ओहो ड्राइव किया गया सीधा फील्डर के हाथ पे। अभी तक 5 गेंदों पर कोई रन नहीं, मात्र 1 विकेट ले चुके हैं यहाँ पर शमी इस ओवर पे। आखिरी गेम देखी जाएगा। और मेड इन ओवर एंड ऑफ विकेट, काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी है की तरफ से। 49 पे मात्र 2 गोल के 6 ओवर पे न्यूजीलैंड की तरफ से। काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी हो रहा है इसके तरफ से। यहाँ पर आपको शाहपुर ठाकुर में जब फास्ट बॉलर को बुलाया जाएंगे, जहाँ पर आपका अच्छी गेंदबाजी शुरुआत करते हैं शाहपुर ठाकुर। इस बार क्या होता है, उठा के मारा है, पीछे मारा है चौके के साथ विलियमसन का। काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो पार्ट वन पे हमने अपने दिखा नहीं पाया था, बट यहाँ पर अपने केन विलियमसन काफ़ी बढ़िया खेल रहे हैं। और अभी तक तो ये बल्लेबाजी की तारीफ ही कर सकते हैं। शाहरुख ठाकुर अपने दूसरे गेम में कर सकते हैं, विकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। सीधा फ्लिक किया दाएं तरफ प्लेयर के हाथ पर, 1 रन मिलेंगे सिर्फ। टॉम लेटन आए स्ट्राइक पर, अंदर से खाता नहीं खेला है। तो शाहरुख ठाकुर के लिए तीसरी गेम को भी तो डिफेंड किया, अभी तक खाता खोल नहीं पाए थे टॉम लेटन ने। तो लेट्स सी ठाकुर को कौन सी बॉल पहुँचा। ठाकुर करेंट फॉर्म पर है, सीधा ड्राइव किया फील्डर के हाथ पर, कोई रन नहीं अभी तक। टॉम लेटन 0 रन के स्कोर पर अब तक है। शादी की अपनी काफ़ी क्लोज था बट चूके, तो कोई अपील नहीं, साइड की तरफ से चले गए। बढ़िया ड्राइव किया, कोई रन नहीं, सिर्फ मात्र 5 रन से 54/72 विकेट न्यूजीलैंड। तो ड्रिंक्स ब्रेक की टाइम आ गई है, यहाँ पर अभी इंडिया में ड्रिंक्स को बुलाया गया, तो अपन ये स्किप कर देंगे। यहाँ पर रिवर्स करने का मौका मिला है स्विंग के साथ शमी को, जिसने दो विकेट ले चुका है। क्या ये स्विंग रिवर्स करके कुछ हो पाएगा, नहीं हो पाया। केन विलियमसन काफ़ी चतुर बल्लेबाज है, तो यहाँ पर 1 रन लेकर छोड़ चेंज किया लेखन को। यहाँ पर देखते हैं शमी क्या करते हैं। तो यहाँ पर शमी फिर से रखक देते हुए बॉल बाहर की तरफ और ड्राइव किया गया, बट फील्डर मौजूद ड्राइव कर कर को रन नहीं। डॉट बॉल यहाँ पर शमी फिर से बॉल लेते हुए भी बॉल थोड़ी याद कर फिर क्रॉस करते हैं, बट पूरी तरीके से डिफेंड कर लेते हैं। 9 विकेट खेल चुके हैं, बट अभी तक कोई रन नहीं बनाया है लेते हैं। तो ये आपका चौथा बॉल उठा के मारा है, कैच हो सकता है। ओहो हो दिखी नहीं फ्लडलाइट की वजह से। 4 रन मिलेंगे टॉम लेटन को, अपने चौके से अपना बल्लेबाजी की शुरुआत की है, काफ़ी बढ़िया। तो यहाँ पर आपके करंट कप्तान और पूर्व कप्तान दोनों मिलकर पारी को आगे बढ़ाते हुए 7 ओवर 4 बॉल पर 59 रन। और यहाँ पर आखिरी बॉल फ्लिक किया गया 1 रन के लिए, फील्डर मौजूद सीधा कीपर के दस्तानों पर। आखिरी बॉल में आपका टॉम लेटन छोड़ चेंज करते हुए सीधा खिला, सीधा बल्ले बने डॉट बॉल 6 रन से ओवर तक 7 रन 2 विकेट।
इधर उठा दिया गया, क्या सफलता। और ये सफलता में ये टॉम लेकिन काफ़ी स्ट्रगल करते स्टार्टिंग से, 12 बॉल पर 5 रन बनाकर शार्दुल ठाकुर के शिकार बने। काफ़ी बढ़िया विकेट था ये, सीधा कैच लगा हुडा को। 12 बॉल पर 5 रन बनाकर एक चौके मारकर आउट यहां पर आए डैरिल मिचेल। ऑलराउंडर न्यूजीलैंड की पारी के आगाज करने के उसको संभल के खेलना होगा। 60 रन पर 3 विकेट गिर चुके हैं लॉर्ड शार्दुल ठाकुर का बढ़िया ओहो, उठा के मारा है और सीधा मारा है तो सेफ रहेंगे क्योंकि पार प्ले चल रहा है। तो 4 रन मिलेंगे यहाँ पर डैरिल मिचेल को। काफ़ी बढ़िया स्टार्टिंग है, आते सभी 4 रन जो भी देखते हैं। तीसरा बॉल है, यहाँ पर भी गैप मिल गया डैरिल मिचेल को, यहाँ पर भी सीधा चौके को ले गई गेंद। तो 8 ओवर 3 बॉल हो चुके हैं और यहाँ पर 8 रन बना चुके हैं आते ही संग डैरिल मिचेल। तो इनकी मंशा काफ़ी क्लियर है कि 20 ओवर का गेम है और ऑलराउंडर के रूप में न्यूजीलैंड के खेमे में जुड़े हुए हैं। और शार्दुल ठाकुर की ख़राब गेंदबाजी अभी तक की और छोड़ दिया गया काफ़ी बढ़िया लेंथ गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद है यहाँ पर शार्दुल ठाकुर की। और डिफेंड करवाया गया ये बैक टू बैक डॉट बॉल, लास्ट बॉल टू एंड डी ओवर। लेट्स सी क्या होने वाला है, क्या डैरिल मिचेल यहाँ पर जाएंगे किस रन के लिए या फिर सीधा डॉट छोड़ देंगे। नहीं, कोई रन नहीं, डॉट के साथ ओवर एंड 8 रन 68-3 9 ओवर। तो यहाँ पर पांड्या आए हार्दिक पांड्या जी का अच्छा चल रहा है, बढ़िया स्ट्रोक कर डॉट बॉल किया गया किंग विलियमसन को। 19 गेंद पर 6 रन बना चुके हैं, 50 मार्क की सोच कर उठा के मारा है 6 रन के लिए। काफ़ी बड़ा फॉर्म लग रहा है किंग विलियमसन एक्चुअली, क्योंकि जितना भी उनकी तारीफ कर ले वो कम है क्योंकि इतना अच्छा बैटिंग कर रहे अभी तक जो कि काफ़ी मज़ेदार लग रहा है। फिर से और उठाकर 6 रन, चौथे 50 पर पहुँच चुके हैं। 21 बॉल पर 50 रन की पारी, काफ़ी जानदार। इस पारी में आपको काफ़ी कुछ दिखे होंगे, 5 छक्के 4 चौके 242 का स्ट्राइक रेट पूर्व कप्तान की तरफ से, काफ़ी बढ़िया बैटिंग है। ये दोनों मिलकर कोशिश करेंगे कि कम से कम 20 ओवर पर 200 रन बोल के हो जाए। ये फिर से घुमाया है उसी दिशा पर 4 रन। हार्दिक पांड्या का काफ़ी महंगा ओवर है कैमरा यहाँ पर, जबकि पांड्या को अभी लाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ओवर काफ़ी बढ़िया चल रहे थे। तो फुल गेम के साथ सीधा फील्डर के हाथ पर 1 रन और छोर चेंज हो गया डैरिल मिचेल आए हुए हैं बल्लेबाजी को। तो आई होप डैरिल मिचेल 1 रन देकर छोर बदला और अगले ओवर पर स्ट्राइक पे आएंगे डैरिल मिचेल 86-3 10 ओवर। वेलकम टू द ट्रेनिंग ऑन द Amazon Stellar app. After this